शिवराज सरकार के खिलाफ पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ किया तहसील कार्यालय का घेराव। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई नोकझोंक। इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ एवं किसानों पर पड़ रही महंगाई की मार को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ छतरपुर जिले के नौगांव तहसील का घिराव करते हुए जमकर हल्ला बोला और जमकर नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स लगाए पुलिसकर्मियों से नोकझोंक की। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना था कि भाजपा सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। इसी बात को लेकर हम सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किसानों के हित में आज तहसील कार्यालय का घेराव किया है। इसके पीछे शिवराज सरकार को चेताना है ताकि किसानों पर जिस तरीके से महंगाई की मार पड़ रही है उसे कुछ निजात मिल सके। कांग्रेस के इस हल्ला बोल प्रदर्शन में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के अलावा कांग्रेसी विधायक एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने क्या कहा, यह सुनिए। सबसे पहले जो महंगाई की मार भाजपा के राज में किसान पर पड़ रही है, जिससे कि आज हर किसान परेशान है। एक तरफ मोदी जी कहते थे कि भाजपा की सरकार किसान की आय दोगुनी कर देगी, लेकिन भाजपा के राज में, शिवराज सिंह जी के राज में, किसान की लागत दोगुनी हो गई है और किसान की आय आधी हो चुकी है। और हम सबका इसमें यही कहना है कि आज जो तानाशाही भाजपा की हो गई है, कहीं ना कहीं जो मांगे जनता की है उन पर सुनवाई नहीं हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आज भाजपा के नेताओं में जो अहंकार घमंड भर गया है, उसका ही परिणाम है कि आज किसान सड़कों पर आ रहा है, किसान परेशान है, पीड़ित है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो माहौल इस बार दिख रहा है, बड़ा परिवर्तन होगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि जो बातें कमलनाथ जी कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही प्रियंका गांधी जी भी ग्वालियर में थी, जहां उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है कि अगर सरकार कांग्रेस की आएगी तो 5 हॉर्स पावर तक जो बिजली के बिल हैं वो निःशुल्क किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बिजली का पुराना बकाया है पूरा किसानों का और आम लोगों का, वो पूरा माफ़ किया जाएगा। तो हमारी इसीलिए जो पूरे प्रदेश भर में हर जिले में हमारे प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थिति ज़मीन पर है, जो आज वास्तविकता है, पिछले 4 सालों में कोई भी भाजपा का नेता नौगांव नहीं आया, छतरपुर नहीं आया। अब चुनाव आ गए तो सब आ रहे हैं, क्योंकि मौसम चुनाव का है, लेकिन ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, जनसेवा का इनमें कोई भाव नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार पर तमाम आरोप लगाए और यहाँ पे मीडिया के कैमरे पर यह दावा किया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 170 सीटें आने वाली हैं। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितना दमखम दिखा पाती है। वरदान एक्सप्रेस के लिए नौगांव से राहुल माली की रिपोर्ट।